कर्नाटक में हुई जैन मुनि की हत्या के खिलाफ गुरुवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई है। जबलपुर में जैन समाज ने आधा दिन अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर रैली निकाली है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जबलपुर में जैन समुदाय के नागरिकों के द्वारा काली पट्टी बांधकर बड़ा फुहारा से मालवीय चौक तक एक मौन जुलूस निकाला है, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाओं के साथ पदाधिकारी शामिल हुए हैं और हाथों में तख्तियां लेकर जैन मुनि की हत्या के आरोपों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते नजर आए हैं। शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची है, जहां महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी भैया, आज जैन मुनि की दुर्दांत हत्या के विरोध में आज सकल जैन समाज के आह्वान पर सभी धर्मों के लोग ने आधे दिन तक अपनी दुकान बंद रख के और मौन जुलूस निकाल के जो विरोध प्रदर्शन किया है और न्याय की मांग की और सुरक्षा की मांग की, सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए निश्चित रूप से सभी धर्मों के संतों की सुरक्षा का सुनिश्चित करना चाहिए और जिसके लिए दोषी है उनको कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। आप लोग ने मौन जुलूस यहाँ पर निकाला है, और क्या विरोध क्या है? विरोध ये है कि जो संत की हत्या हुई है, जैन संतों की, अहिंसा प्रेमी समाज, सर्व समाज पूरे देश की बहुत ज़्यादा अपने में आंदोलित होगी, आक्रोशित हो गई है और पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में, पूरे जिलों में और गांव-गांव में ये आक्रोशित रैली माध्यम और मौन जुलूस और अनेक आंदोलन कर रहे हैं और सरकारों को चेता रहे हैं कि इस देश में अगर संत है तो हम सब हैं और सर्व धर्म सर्व भाव का मंत्र सभी अहिंसा परमी धर्मी बंधु अपनाते हैं और इस संत की हत्या पुनरावृत्ति ना हो उसका सरकार खुद जिम्मा ले और संतों की सुरक्षा की गारंटी ले और अहिंसा प्रेमी बंधु जो धर्म के प्रति अहिंसा के प्रति समर्पित हैं उनको संज्ञान, उनकी भावनाओं को संज्ञान में लेकर इस प्रकार की कार्रवाई करें और जैन संत की जिन्होंने हत्या करी है उनको भी उसी प्रकार की सजा मिले। आज प्रतिष्ठान बंद किया है, अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो आगामी कदम क्या होगा? नहीं, गिरफ्तारी तो हो गई है दो लोगों की और भी अन्य लोगों की, हमको तो सरकारों से आश्वासन चाहिए कि आगामी सर्व जो अहिंसा प्रेमी संत हैं जो देश की धरा रीढ़ की हड्डी कहलाती है और ये मूल मंत्र हिंदुस्तान मतलब सर्व धर्म सर्व भाव का यह देश है, उस धर्म की रक्षा करते हुए सरकार संज्ञान में ले और ऐसा कर तो दोबारा ना हो। आज के दिन जिस तरीके से यह अहिंसक समाज उग्र होकर निकली है, क्योंकि कर्नाटक में काम नंदी जी महाराज के साथ जिस तरीके से उन पापियों ने यह उपसर्ग किया है और उनको मारकर उनके टुकड़े किए, ऐसे समाज पूरी भारतवर्ष की उग्र होकर मैदानों में उतरी है। अहिंसक समाज का यह मतलब नहीं है कि हम बुजदिल हैं, नहीं, हमारा धर्म और सिद्धांत ही अलग है, लेकिन यदि सड़कों पर उग्र होकर उतर गई तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि आज भारतवर्ष में जितना टैक्स जैन समाज दे रही है और जितनों को रोजी रोटी दे रही है, यदि वो आज एकमत हो गए तो ये भारत की अर्थव्यवस्था भी डोल जाएगी। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हमारे मुनियों, ऋषियों, संत माताओं, बहनों सबकी सुरक्षा के लिए शासन स्ट्रिक्ट हो, प्रतिबद्ध हो एवं उनकी सुरक्षा दे, यही जैन समाज का कहना है। शहर ही चौमासों के लिए उनको शासन की व्यवस्थाएं मिलना चाहिए, यही हमारी उनसे निवेदन है। और जबलपुर जैन समाज ने आज एक जुलूस निकाल कर यह दिखाया है कि हमारी समस्त जैन समाज जबलपुर की है, चाहे हम हों, सोनगढ़ हो, श्वेतांबर हो, सभी समाजें हम लोगों के साथ खड़ी हैं और एक दूसरे के साथ यह भारत बंद आंदोलन का कार्यक्रम कर रही हैं। और यदि कार्य पूरा नहीं होगा तो यह मानिए कि अगला कदम हम लोगों का हिंसक भी हो सकता है। मैं जबलपुर जैन पंचायत सभा अध्यक्ष कैलाश जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर।